हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के अखबारों में क्या क्या खबरें छाई रही हैं उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली बड़ी खबर है, जैसे कि आपको बताया कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव साहब से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन का असर क्या हुआ आपने देखा होगा, शाम होते होते SSSC ने एक जो है संवाद जारी करके सभी भर्तियों के बारे में जो है अपनी राय वहाँ पर दे दी। हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने 8 अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं जिनमें वो भी सॉरी 5 अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं जिनमें उन भर्तियों को भी लेकर है जिन पर आयोग ने लगातार जो है क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। तो भर्ती घोटालों को लेकर आप देख सकते हैं युवा लगातार जो है अपनी मांग रख रहे हैं। इसी सिलसिले में भर्ती घोटालों से मुक्ति दिलाने को युवाओं ने निकाली यहां पर यात्रा। तो आप देख सकते हैं हल्द्वानी में रैली निकालकर घोड़ाखाल स्थित गोलजू मंदिर पहुंचे युवा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में लगातार भर्तियां घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग के हों, चाहे वो फिर विधानसभा की जो है बैकडोर की भर्तियाँ हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो युवा है उनका क्या कहना है कि उत्तराखंड अधिकांश जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं पेपर पहले से ही लीक कर दिया जाता है, कार्रवाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही है। इससे युवा वर्ग आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर ये सरकार गंभीर नहीं है तो इसके लिए फिर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं तमाम युवा जो हैं अपनी अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर युवा ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो किस प्रकार राज्य का और देश का विकास होगा। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्जी घोटालों के बारे में। लगातार देखें उत्तराखंड में ये बातें उठ रही हैं। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं दून में फर्जी मार्कशीट बेचने वाले गिरोह का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है और एक यहाँ पर गिरफ्तार हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कल आफ्टरनून में हमने आपको एक खबर दी थी कि हरिद्वार में भी जो है एक ऐसा ही गिरोह पकड़ा गया है जिसमें कम से कम 4 से लेकर 10 लोग थे जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के नियुक्ति पत्र देते थे गवर्नमेंट जॉब्स की, और उन्होंने इवन एडवर्टाइजमेंट भी निकाले हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड को जो है अंदर से यहां पर खोखला बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम का भी जो है फेलियर माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटवारी भर्ती लेखपाल परीक्षा को लेकर। तो अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को हो तो आपको फ्री में अब जो है बस में सवारी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 12 तारीख को सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके एडमिट कार्ड को ही उनका जो है मान लिया जाएगा कि उन्होंने जो है टिकट खरीद लिया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि 12 तारीख के बजाय 11 से लेकर 13 तक करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो आदेश जारी हुआ है उसमें केवल 12 तारीख यानी कि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन जो है आपको फ्री सेवा यहां पर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेना भर्ती में भी। आप देख सकते हैं फर्जी दस्तावेज संग पकड़ा युवक, 7 माह की यहाँ पर सजा। तो हर तरीके से आप देख सकते हैं पूरे घोटाले हो रहे हैं। कल भी आपने न्यूज देखी होगी कि गुजरात में भी पेपर लीक हो गया है, हिमाचल प्रदेश में दरोगा भर्ती इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कांस्टेबल या दरोगा भर्ती का पेपर में जो है उत्तराखंड का जो है कनेक्शन पाया गया है, और उसकी डिटेल वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए न्यूज है सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेज संग पकड़ा युवक, 7 माह की यहाँ पर जो है उसको सजा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये चीजें जो है घोटालों के बारे में हो रही है। तो बाकी वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।